हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 46 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 15 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम द्विघात समीकरण का हल पढ़ेंगे दूसरी विधि से। ठीक है, कल एक करी थी, आज दूसरी है, द्विघाती सूत्र से हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जो कि ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और जो ए है वो शून्य के बराबर नहीं है। अब है चर की संख्या, चर की संख्या सिर्फ केवल एक ही है एक्स। और द्विघात समीकरण का जो हल है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल्यों की संख्या जो किसके बराबर होती है, दो। अब जो द्विघात समीकरण के जो मूल्य मूल हैं उन कैसे पता लगेगा, तो समीकरण के जो घात है वो किसके बराबर होती है, चर x की उच्चतम घात। x की उच्चतम घात क्या है, दो। इतने ही क्या होते हैं, मूल होते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, जैसे ये हमारा मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण है, इसके अंदर यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन किसके है, इक्वल टू है जीरो के, शून्य के, शून्य से बड़ा आता है, तो इस द्विघात समीकरण का जो मूल हल है वो क्या होता है, ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ज़रूर यहाँ से बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला रट लो, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, वो वाली एक्सरसाइज नहीं, वर्कआउट नहीं, जो आपकी एक्सरसाइज गिवन है क्वेश्चन से सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस। सो उसके बाद यानी दो मूल, यहाँ पे प्लस माइनस लगाओ, बीच में दोनों लगे हुए हैं। अब आप कहोगे दोनों कैसे लगे हुए हैं, क्योंकि एक बार हम प्लस लेके चलेंगे, एक बार हम माइनस लेके चलेंगे, इसलिए दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस ये याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। जो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसके मूल ज्ञात करने हैं आपको। देखो सबसे पहले ए बी सी पता करोगे, ए बी सी आ गया यहाँ पे आपके पास। उसके बाद सबसे पहला काम क्या है, क्या देखना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये शून्य से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू रखी तो यहाँ पे 8 आई, जो शून्य से बड़ी है, तो इसका मतलब ये शून्य से बड़ी है, तो हम जो हमारा द्विघात सूत्र है वो रख सकते हैं, जो कि क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे एक बार आप प्लस लेके चलते हो, एक बार आप माइनस लेके चलते हो, बस यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख दी दोनों तरफ, तो जो आपका सॉल्यूशन हुआ जाएगा, कैलकुलेशन तो कर सकते हो, प्लस माइनस करना है सिर्फ। ठीक है, सो टू प्लस रूट टू और टू माइनस रूट टू, ये क्या हो जाएंगे, आप द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है परिवर्तनीय समीकरण। परिवर्तनीय समीकरण क्या होंगे, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है। अब आप कहोगे ये तो ए बी सी इसमें से कैसे निकालेंगे, द्विघात जो समीकरण है उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, इसको परिवर्तन करेंगे किस में, जो हमारी द्विघात जो द्विघात समीकरण होता है उसके रूप में, उसके मानक रूप में। ठीक है, कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, पहले नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप, इक्वल टू थ्री है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, वो मिल जाएगा, बस आगे उसके बस मूल ज्ञात करने हैं, वो आप कर ही सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द समस्या, वर्ड प्रॉब्लम जो होती है, इसमें बच्चे फंसते हैं थोड़ा। चलो, तो दो संख्याओं के वर्ग का जो अंतर है वो 180 है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या क्या है, x है, जो भी, हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी आपको निकालना होता है उसको हम एक्स वाई मानते हैं, तो संख्याएँ याद करनी है, तो एक संख्या मान ली x, उसने बोला है जो x, जो छोटी संख्या का अगर हम वर्ग करें, वर्ग कर दिया, वो बड़ी संख्या के 8 गुना है, 8 से गुना कर दिया, 8x आ गया। उनका क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब एक एक्स स्क्वायर है, एक 8x है, इनका अंतर माइनस कर दिया, किसके बराबर, 180 के बराबर। बस जैसा जैसा बोर्ड है वैसा वैसा लिखते जाओ, बस अब इसको हल करना है, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, माइनस 180 इधर लाते ही, बस अब ये आ गया, तो इसके हल कर दो। कैसे करेंगे हल, ए बी सी निकालो पहले। ठीक है, ए बी सी निकाल दिया, फिर क्या चेक करना है मुझे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करना है, अगर ये जीरो से बड़ा आता है तो इसका मतलब इसको अंदर द्विघात सूत्र हम रख सकते हैं, तो ये जीरो से बड़ा आएगा, 784 आया जो जीरो से बड़ा है, तो यहाँ पर हम द्विघात सूत्र रख सकते हैं, जो कि ये होता है। ठीक है, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, इसलिए दो बार लिखा हुआ है, बस इसके अंदर ए बी सी का मान रखा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 18 और माइनस 10। अब 18 और माइनस 10 है, माइनस 10 तो संभव ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, संख्याओं का वर्ग 180 है, छोटी संख्या उसकी 8 गुना, माइनस में तो जाएगी ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे जो बचता है आपके जो पेयर्स हैं वो क्या बनेंगे, 18 12 18 और माइनस 12, क्योंकि 10 और 18 में अगर आप करके देखोगे, अंतर करके देखोगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सूट नहीं करेगा। सो ये हो गया शब्द समस्या, अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो ये प्रयास कीजिए, ये 7 प्रश्न आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, छोटा है जीरो से,
देखो मूल ज्ञात कर सकते हैं, ये गलत है, छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये गलत है, तो आंसर आ जाएगा गलत, ठीक है। दूसरा है डैश द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। द्विघात सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ये ठीक है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर, ऊपर से भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तीसरा है द्विघात समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स 8x माइनस 16 के लिए स्थिरांक c का मान क्या है। c क्या है, ये a होता है, ये b होता है, ये क्या है, c है, ठीक है। कितना है c, माइनस 16, तो बस यहाँ पे माइनस 16 लिख दो, ठीक है। हो गए पहले तीन प्रश्न, हटा दो इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कर लोगे ना सेकंड, सेकंड में ये फॉर्मूला लिखना है, देखो एक मिनट दिखाती हूँ, ये फॉर्मूला लिखना है सेकंड में, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ उत्तर दो, क्लियर, बस ये लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर चार पे। ऊपर बताए गए परिवर्तनीय समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो परिवर्तनीय ये है यहाँ पे, इसकी आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो ये आपका क्या बन चुका था, द्विघात समीकरण बन चुका था, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो बस क्या करना है, इसमें जो द्विघात सूत्र है वो लगा देंगे, मूल निकल जाएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर चार कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 शून्य के बराबर है। ए बी सी की वैल्यू निकाली, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकाली। सबसे पहले इसमें पुट करके देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर ये जीरो से बड़ा है कि नहीं। तो ए बी सी की वैल्यू रखी, 85 आया, जो कि जीरो से बड़ा है। इसका मतलब इसको हम द्विघात सूत्र रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, द्विघात सूत्र रखा। अब ए बी सी की वैल्यू इसके अंदर लिख दी, ठीक है ना, इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू डाल दी, तो हमारा आंसर आया ये और ये। दो क्यों आए, क्योंकि एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर चार, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर पाँच। प्रश्न पाँच है द्विघात सूत्र 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 शून्य है का प्रयोग करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये क्या करना है आपको, द्विघात सूत्र लगाना है इस पर और मूल निकालने हैं। कुछ नहीं, ये द्विघात समीकरण तो दिया ही हुआ है, बस इसके मूल निकालने हैं, फॉर्मूला रख देंगे, है ना। ये देखो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 शून्य के बराबर है। तो यहाँ से ए बी सी 2 माइनस 3 और माइनस 5 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी की। ए बी सी की वैल्यू पुट करी तो 49 आया, जो शून्य से बड़ा है। शून्य से बड़ा आया है तो हम इसके अंदर क्या रख सकते हैं, द्विघात सूत्र रख सकते हैं, जो कि ये होता है। बस इसके अंदर हमने ए बी सी की वैल्यू पुट करी, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/2 और -1, जो कि हमें निकालना था, ठीक है। देखो मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रही हूँ, क्योंकि प्लस माइनस डिवाइड तो आप खुद भी कर सकते हो, मेन है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए मैं बेसिकली, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है, द्विघात सूत्र का उपयोग करके ये जो दिया है इसके मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने इसको क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण के रूप में मानक रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हमें नहीं करना था सॉल्व। चलो करते हैं इसको। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस में एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है, 11/8 के बराबर आया है। तो यहाँ से ये दोनों हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया हमने, बस इसको सॉल्व करना है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है। बस अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो आंसर जो कट रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, ठीक है। जैसे 2x से 2x कट रहा है, x square 2x square हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 1x 4 माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 6 और 2 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। बस इधर ये 11/8 है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन है ना, जो समीकरण है वो आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों इधर जाके माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो आपको आखिर में क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण मिल जाएगा। अब द्विघात समीकरण मिल गया तो हमें कुछ नहीं करना, ए बी सी की वैल्यू रखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर रखनी है। जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर वैल्यू रखेंगे, शून्य से बड़ी आएगी, 784 आई है, शून्य से बड़ी आई है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसके द्विघात सूत्र है जो लगा सकते हैं। रूट्स की जगह मूल लिख लेना, ठीक है ना, हर क्वेश्चन में रूट्स वैसे कोई एक ही वर्ड है आपका जो यूज़ हुआ है इंग्लिश में, मूल लिख लेना इसकी जगह। तो ये हम द्विघात सूत्र इसके अंदर रख सकते हैं, बस इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू रख दो। ए बी सी की वैल्यू रखने के बाद एक बार प्लस लिया हमने, एक बार माइनस लिया है, आपका आंसर हो जाएगा 6/2/5, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्लियर है। यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आपको कंप्लीट करना है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ।
सेवेंथ क्वेश्चन है, रुचि की आयु मोनिका की आयु की दोगुनी है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 160 होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। शब्द समस्या है, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करना है। अभी मैंने बताया था जो निकालना है उसको मान लेते हैं हम एक्स वाई। वर्तमान आयु निकालनी, तो वर्तमान आयु मान लो मोनिका की एक्स, उसकी दोगुना है रुचि की, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7th का सॉल्यूशन। ठीक है, माना मोनिका की आयु कितनी है, x है। ठीक है, रुचि की आयु उसकी दोगुना हो जाएगी, 2x हो जाएगी। 4 वर्ष बाद, मतलब इसमें भी 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ दो, जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि दोनों का जो गुणनफल है ना वो 160 है, दोनों को गुना कर दिया। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आखिरी में हमारे पास क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण मिल जाएगा। द्विघात समीकरण मिलते ही हमें हल निकालने के लिए क्या करना होता है, ABC निकालो। ABC निकाल लिया, ABC इसमें पुट कर दिया B² - 4AC में। ठीक है, अगर ये शून्य से बड़ा आया, जो कि 324 है, बड़ा ही है, शून्य से बड़ा आया, तो हम क्या रखेंगे, द्विघात सूत्र रखेंगे। ये होता है हमारे द्विघात सूत्र। अब इसके अंदर ABC की वैल्यू पुट कर देंगे बस। अब तो प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो प्लस माइनस करने के बाद एक आया 6, एक -12 आया है। -12 हो नहीं सकता, यहाँ पे नॉट पॉसिबल इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में लिख लेना असंभव। ठीक है ना, असंभव। क्यों असंभव है, क्योंकि जो उम्र है वो -12 नहीं हो सकती। कभी आपने सुना है कोई, आप किसी का आप पूछते हो कितने साल के, तो वो बोले मैं -2 साल का हूँ। -2 साल तो हो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो माइनस वाला कट जाएगा, असंभव होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो पूछा क्या था, मोनिका की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x 6 वर्ष। ठीक है, और रुचि की वर्तमान आयु 2x, मतलब 6 × 2 = 12 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7th, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से लेके आपको लास्ट तक लिखना है, क्लियर। तो ये 7 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, टेक केयर, बाय बाय।